ये है हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन। इसको हमको घर पे बैठे बैठे ही इसको हम सबसे पहले खोलेंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर वाला ढक्कन है, उसको हमें खोलना है। वो भी हम ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलेंगे। ये बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसमें बड़ा कचड़ा फंस चुका है। अब देखो ये खुल गया है, इसको धीरे धीरे देखो ये खुल चुका है। खुलने के बाद इसमें एक बोल्ट होता है, बोल्ट को हमको एक 6 नंबर की इंच से हमें इसको खोलना है। ये धीरे धीरे ये अपना खुल जाएगा। खुलने के बाद देखो ये बहुत टाइट होता है, इसको खोलने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए इसको कृपया करके धीरे धीरे खोलें। अब ये इसका स्क्रू तो खुल चुका है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पलड़ा है उसको निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहुत मेहनत के बाद ये निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है क्योंकि इसमें कचरा फंस जाता है। देखो अब ये धीरे धीरे ये निकल रहा है, बहुत कोशिश की जा रही है। पहले इसमें पानी डाल के इसको निकालें, इसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। देखो ये अब ये निकल चुका है, देखो इसमें इतना ज़्यादा कचरा भर चुका है, कचरा ऊपर नीचे। अब हमें इसको क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा कचरा है इसके अंदर। देखो इसके अंदर सारी परतों के अंदर कचरा भर चुका है। बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी पपड़ी पड़ गई है कचड़े की, जिससे ये कई बार मशीन हमारी जाम भी हो सकती है। देखो कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल के देखो, इधर भी बाहर और अंदर दोनों साइड कचरा जम गया है। अब हम इसको ब्रश की सहायता से इसको साफ़ करेंगे। पानी है, पहले हमने इसको पानी से साफ़ कर रहे हैं, पानी से साफ़ हो जाएगा। इसको साफ़ करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अंदर तक इसमें डस्ट पार्टिकल और हम ब्रश की सहायता से इसको साफ़ करेंगे। ये अपना जो अपना ब्रश करने वाला ब्रश होता है उससे साफ़ करें, जिससे कि अंदर की सतह तक ये घुस सके। और देखो ये धीरे धीरे क्लीन भी होता जा रहा है, बट इसमें पपड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड जम चुकी है, इससे इसको छुटाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इसको चारों साइड से इसको सही करें, सही से इसको वॉश करें। देखो ये मोस्टली ये साफ़ हो चुकी है, इतनी मशक्कत करने के बाद ये इतना सही हुआ है। अब तो हमें इसके नीचे वाले पौधे को साफ करना है, तो हम इसमें कपड़े करने वाले तो नीचे करो केवल ये कितनी हार्ड कपड़ी जम चुकी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मेरा फेस नहीं आ रहा है, छेद अंदर वाला कपड़ी जम चुकी है। जो हम टूथब्रश से इसको साफ कर रहे हैं साइड में, अब हम इसका जो वाइसल और ये हमने खोल दिया है, इन दोनों को भी क्लीन करेंगे। इनको भी हमको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन हो रहा है धीरे 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 क्लीन हो रहा है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद पानी डाल रहे हैं, पानी डालने वाले हैं। देखो अब हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालने से इसका जो पार्टिकल पूरा अंदर चला गया है। देखो पहले से ज़्यादा ये साफ ही दिख रहा है, बहुत मशक्कत की है इसको साफ करने में। और थोड़ा बचा है इसको और साफ़ कर रहे हैं। फिर हमने और पानी डाला इसके अंदर, पानी डालने से और क्लीन हो गया। देख सकते हैं कि पहले की कितना क्लीन दिखने लगा है। अब ये क्लीन हो गया है, बहुत अच्छा भी लगने लगा, एकदम बेहतरीन। जैसे कि मार्केट से ये नया आया है। अब हम इसका जो वाइसल है और इसकी गैसकेट है, इन दोनों को लगाएंगे, अच्छे से कसेंगे। हमने इन दोनों को भी साफ़ कर दिया है, ये दोनों अच्छे से हमने फिक्स कर दिए हैं। तो हम फिक्स करने के बाद इसका जो ऊपर वाला पर्दा होता है उसको भी अब हम लगाएंगे। तो इसका पर्दा है, इसको हमें अच्छे से इसके बाइसल के ऊपर हमें इसको बिठाना है। ये हमने बाइसल के ऊपर हमने इसको बिठा दिया है। अब ये अच्छे से घूमने लगा है। अब इसका जो स्क्रू है इसको हम धीरे धीरे इसमें लगाएंगे और फिर इसको हम टाइट कर लेंगे। देखो अब ये धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। हमने रिंच की सहायता से इसको एकदम टाइट कर दिया है। इसको अच्छे से टाइट करें, वरना ये लूज हो जाएगा तो बाद में ये पलड़ा है ऊपर वाला वो निकल सकता है। मोस्टली ये साफ़
वो मोस्टली एक ये हो चुका है एकदम टाइट, एकदम ये टाइट हो गया है देखो। अब इसके ऊपर वाला ढक्कन है उसको भी हम लगा देंगे, अभी को लग चुका है। हम इसकी टेस्ट, हम इसको लाइट की सहायता से इसको टेस्ट करेंगे ये सही है क्या नहीं। लो अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं और मशीन को हमने चालू कर दिया है और ये चालू भी हो गई है और इसका ट्रायल सेट हो गया। हमें इसका मंथली रूटीन करना चाहिए जिससे ये हमेशा सही रहे।